नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल से कॉपीराइट फ्री इमेज कैसे डाउनलोड करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई ब्लॉग है और अगर कोई वेबसाइट है और आप इमेज चाहते हैं जो कि बिना कॉपीराइट के हो, तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, इसके लिए मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने क्रोम ब्राउज़र में चले आइएगा और यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा जो भी आपको फ़ोटो चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आँख के लिए जो है कि फ़ोटो सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई लिख करके मैं सर्च कर दूँगा। तो जैसे हम सर्च करेंगे इस तरीके से हमारे सामने विंडो ओपन होगा। उसके बाद हम इमेज सेक्शन में चले आएंगे। इमेज सेक्शन पे आप भी चले आइएगा और देखेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो है कि आँखें आ चुकी हैं। पर ये दोस्तों, इनमें से अगर आप कोई फ़ोटो डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है कि आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाए। अगर इनमें से आप फ़ोटो डाउनलोड करने के बाद अपने साइट के लिए यूज़ करते हैं या फिर अपने ब्लॉग के लिए यूज़ करते हैं तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्री में जो कि कॉपीराइट क्लेम न दे वैसी इमेज कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिखेगा टूल्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा यूजेज राइट, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, लगभग 5 ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे। तो आपको केवल ऊपर से दूसरे और तीसरे ऑप्शन को यूज करना है। आपको मैं बता दूं कि जो दूसरा ऑप्शन है ये कहता है कि जो भी आप इमेज डाउनलोड करेंगे आप उनमें जो है कि मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। मतलब आप जो इमेज डाउनलोड कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं, लिखने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, इसको अगर आप इस पर क्लिक करने के बाद इमेज डाउनलोड करेंगे तो आपको ये कहता है कि आप जो है कि सेम इमेज को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई अगर बदलाव नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे लेबल्ड फॉर रीयूज़ के लिए क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे सामने आँखें चली आई हैं। अब ये सब कॉपीराइट फ्री हैं, इनको आप कहीं भी बेधड़क जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी साइट पर और अपने जो है कि ब्लॉग पे। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये कॉपीराइट क्लेम देंगे कि नहीं, पर हाँ इसमें 99% जो चांसेस होते हैं वो कॉपीराइट क्लेम के नहीं होते हैं, ये फ्री होते हैं जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है। इसलिए यहाँ पे गूगल के द्वारा ये होता है कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ से आप अपने ब्लॉग के लिए, वेबसाइट के लिए फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने फ़ोटो में कुछ बदलाव करके उसे यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन है लेवल्ड फॉर यूज विथ मॉडिफिकेशन, यहाँ पे आप क्लिक करके ये फ़ोटो ही डाउनलोड कर सकते हैं जिनमें आप कुछ भी बदलाव ला सकते हैं, इसमें चेंजेस करने के बाद इस फ़ोटो को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से बड़ी आसानी से आप गूगल के माध्यम से ही कॉपीराइट क्लेम न देने वाली फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने जो है कि साइट पर, ब्लॉग पर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा ज़रूर से हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए और नीचे रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक बटन जरूर से क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।